वाली समस्या है कि भ्रष्टाचार है, जो भी काम होता है बिना भ्रष्टाचार के। आप ढोल नगाड़ा बजवा रहे थे आप अपने नॉमिनेशन में, क्या आप विकास का ऐसे ढोल नगाड़ा यहाँ काम आता है? वो घोटाले के क्रम से ही गुजरे, तो कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ घोटाला ही हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो आप पर जनता कैसे विश्वास करेगी? नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं सीवान जिला के मैरवा में हूँ और मैरवा में जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पंचायत का चुनाव और उसका नामांकन जोर शोर से चल रहा है, उसी दौरान हम मैरवा में हैं और मैरवा से जीत भाई के माता जी आज नामांकन की हैं, बड़ी धूमधाम से ढोल बाजा बज रहा था। क्या भैया, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जी आपके चैनल और यहाँ के जनता जनार्दन को, मेरा नमस्कार। जैसे आप ढोल नगाड़ा बजवा रहे थे आप अपने नॉमिनेशन में, क्या आप विकास का ऐसे ढोल नगाड़ा बजेगा आपके नगर पंचायत में? अभी तक इसके पहले जो कुछ नहीं हुआ जी, उससे पूर्णता जो सरकार का जो भी व्यवस्था होगी उसको जमीन पे उतार दिया जाएगा एक अच्छे व्यवस्था के तरह। कौन सा मुद्दा है अभी आपके नगर पंचायत में जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं अभी चुनाव मैदान में? यहाँ नगर पंचायत का जो भी समस्या है वो नाले की सफाई है, रोड है, बिजली है, डस्टबिन, चाहे कोई भी यहाँ काम आता है वो घोटाले के क्रम से ही गुजर के जाता है। इसको एकदम निस्वार स्वच्छ व्यवस्था में लाने का काम करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। जो इसके पूर्व में थे उनके द्वारा क्या 5 साल में यहाँ पे कौन कौन सी विकास का कार्य किया गया है? पूर्व में तो कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ घोटाला ही हुआ है, वो चाहे कोई भी हो, अभी नहीं ये 20 साल से चलते आ रहे हैं। आप फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? मान लीजिए 5 साल पहले जो अब उन्होंने कोई आप बता रहे हैं, आप खुद कैंडिडेट हैं, आपकी माता जी हैं, खुद बता रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करेगी आप वैसा नहीं करेंगे? आप कुछ तो खास होना चाहिए जी, ना? तभी तो आपको जनता पसंद करेगी। जनता हम लोग को हमेशा शुरू से जान रही है कि हम लोग स्वच्छ हैं, ईमानदार हैं, इसलिए हमेशा जनता के बीच हम लोग रहते हैं, जनता के समय पे हम लोग हमेशा काम आते हैं, जनता जब भी हम लोग को याद करती है उस समय हम लोग उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए जनता को। समस्या क्या है आपके, दो चार बता सकते हैं अपने? मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या है नाले का चौतरफा विकास कभी नहीं होता है। नाला तो बन जाता है लेकिन उसका कहीं ढलान नहीं होता है, इसलिए पूरा जाम ही लगता है। 5 मिनट बारिश होने के बाद तुरंत जाम, पूरा मतलब बाढ़ की स्थिति आ जाती है। उसके बाद सड़क हो गई, बिजली हो गई, गंदगी हो गई, टाइम पे कभी इन तक सफाई नहीं होती है, स्कूल के माध्यम से तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे एक गर्ल्स के लिए तो एक कॉलेज स्कूल है ही नहीं। अच्छा, ये चीज़ अब महिला सीट है हर जगह, महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और माता जी हैं जो आपकी वो नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। अभी जो समस्या है महिलाओं के लिए, अगर दूर दराज से शहर में जो भी महिलाएं आती हैं उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाता है कि वो कहाँ जाएंगी अगर किसी को इमरजेंसी में नेचर कॉल आता है, जी जी, उसके लिए आप लोग का क्या है? चूँकि ये देखिए महिला का जो है महिला सीट हुआ है तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? नहीं, प्लान तो जब हम लोग आएंगे तो सरकार का जो भी व्यवस्था होगा उसको पूर्णतः जमीन पे लाया जाएगा। चलिए, हाँ, आम जनता भी है आपके पंचायत की, आप लोग क्या समस्या है, क्या देखकर इनको आप लोग समर्थन दे रहे हैं बताएंगे? सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार है, जो भी काम होता है बिना भ्रष्टाचार का कुछ नहीं होता है, और ये हमारे अशोक चचा हैं तो इनके मतलब हम लोग को इतना विश्वास है कि आधी रात हो या कभी भी हो अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो जब भी ज़रूरत पड़ता है सामने ये खड़े रहते हैं, इसलिए मतलब हमेशा से इन पर विश्वास रहा है। आप लोगों का विचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत बार होता है कि जब चुनाव आता है वो लोग जीत जाते हैं, फिर जनता ही आरोप लगाती है कि जीतने के बाद फिर वो दिखाई नहीं दिए हैं, तो ये तो अभी आपके हाथ में है। शुरू से हम लोग को यही रहा है ना कि आज तक जो भी प्रत्याशी खड़ा है वो कभी भी विश्वास पात्र नहीं रहा है, भले जीत जाए
लेकिन मतलब पहला प्रत्याशी ये है ना जिसपे हम लोग को पूर्ण विश्वास है, पूर्णता विश्वास है कि अगर ये आएंगे तो काम भरपूर होगा। मतलब जो भी आपकी उम्मीदें हैं आप लोगों की उस पर खरे उतरेंगे, एकदम खरे उतरे हैं और फुल सपोर्ट है हम लोग का इनके साथ। क्योंकि इनके बारे में सर हम लोग बहुत पहले से जानते हैं और अभी नहीं 12 बजे रात में भी निस्वार्थ भाव से, चाहे वो मेडिकल से हो, चाचा का मेडिकल शॉप है, वो 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, निस्वार्थ भाव से, मतलब उसमें 1% भी स्वार्थ का कोई नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से रात में दिन में काम कर सकता है वो पूरा नगर पंचायत को शुद्ध कर सकता है और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है। ये हम लोग को 200% पूरा 200% विश्वास है, विश्वास पे खड़े उतरेंगे एकदम जी। कोई कैंडिडेट नहीं है अभी इनसे बढ़िया है, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, कोई बहुत ईमानदार है, बहुत निष्पक्ष है, किसी के काम में आने वाले हैं, काम करेंगे भरपूर टाउन एरिया का। बिना चेयरमैन रहे हुए किसी के काम में खड़े होते हैं, बिना चेयरमैन रहे हुए मैरवा का कोई भी आदमी बताए जिसे काम में वो नहीं उपस्थित, पूरा समर्थन है।